नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नायक, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। एयर इंडिया की तरफ से आपको एक नई अपडेट देने आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट हमारे चैनल से आप मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार अगले 2-3 दिनों में शेयर एयर इंडिया के निजीकरण के लिए रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौता जारी कर सकती है। बता दें कि बजट से पहले सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया का विनिवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार अगले 2 दिन में एयर इंडिया के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौता जारी कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एयर इंडिया भारी कर्ज में डूबी हुई है और सरकार इसके निजीकरण के लिए प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने समूह ने 7 जनवरी को एयर इंडिया के निजीकरण से जुड़े रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौते की मंजूरी दी और अधिकारियों ने कहा कि हम अगले 3-4 दिनों में इन्हें जारी भी कर देंगे और कंपनी पर 80,000 करोड़ रुपए का घाटा है। वित्त वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया को 8,556 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। अब कंपनी 80,000 करोड़ रुपए का बकाया से जूझ रही है। वहीं इसके अलावा उसका घाटा भी 1,000 करोड़ रुपए का है। एक अंतर मंत्रालय समूह की मंगलवार को होने वाली बैठक में अन्य चीजों के अलावा इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। अंतर मंत्रालय समूह के बैठक में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीति और उदार करने पर विचार विमर्श होगा। अधिकारी ने कहा कि विभाग उन क्षेत्रों में नियमों को उदार करेगा जहां पर कि अभी स्वतः मंजूर मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून की अवधि में देश एफडीआई के प्रवाह 28% बढ़ा के 16.33 अरब डॉलर पहुंच गया। और यह है अभी तक की अपडेट। एयर इंडिया से कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। कोई भी सवाल सुझाव सजेशन अगर आपका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपका दोस्त नायक मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन देखते रहिए इंडियन गुरु। जय हिंद, वंदे मातरम।